हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नियोनेटल जॉइंटिस या इसी को बोलते हैं हाइपर बिलरुबिनेमिया या इक्टेरस नियोनेटरम, तीनों एक ही नाम है। नियोनेटल जॉइंटिस अगर हम एक नॉर्मल इसका डेफिनेशन बोलें तो बच्चों में होने वाला, हिंदी में बोलते हैं जॉइंटिस को पीलिया। इसमें क्या होता है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन होता है उसका डिपोजिशन हो जाता है, एक्युमुलेशन ऑफ बिलरुबिन इन द ब्लड करेक्टराइज्ड बाय द येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड टिश्यूज। मतलब जो अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन है उसका लेवल हमारे ब्लड में और हमारे बॉडी टिश्यूज में हाई अमाउंट में हो जाए, उस कंडीशन को जॉइंटिस बोलते हैं। नॉर्मल जो बिलरुबिन लेवल होता है वो 1.0 से 1.3 mg पर dl होता है एडल्ट्स में। अगर दो mg dl से ज़्यादा हो जाता है एडल्ट में तो उसे जॉइंटिस कहते हैं, लेकिन बच्चों में कम से कम 5 mg dl से ऊपर होता है तब उसे जॉइंटिस कहते हैं। नॉर्मली हम टाइप्स ऑफ जॉइंटिस के बारे में अगर बात करते हैं तो बेसिकली जॉइंटिस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, एक पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। अगर हम बिल्कुल सिंपली समझें तो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस वो जॉइंटिस है जिसमें कोई बीमारी नहीं है लेकिन शारीरिक रूप से कुछ कमी होने की वजह से वो पीलिया हो गया है, वो जॉइंटिस हो गया है। पैथोलॉजी कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें किसी न किसी बीमारी की वजह से जॉइंटिस हुआ है। तो सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, जॉइंटिस कॉज बाय नॉर्मल फिजियोलॉजी इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। इसमें कॉज क्या है, इसमें क्या है, डिक्रीज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। मतलब आरबीसी का जो लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, बच्चों में 80 दिन से ज़्यादा होता है, वो कम हो जाए, या फिर इमेच्योर लिवर के कारण बच्चों में होता है ये। UDPGT एक लिवर एंजाइम होता है, उसकी वजह से उसकी मतलब उसका सिंथेसिस इमेच्योर लिवर की वजह से उसका सिंथेसिस नहीं हो पाता। ये एंजाइम हेल्प करता है अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन को कॉन्जुगेटेड फॉर्म में बनाने के लिए, जिससे कि कॉन्जुगेटेड फॉर्म को बाहर निकाल दिया जाए स्टूल और यूरिन के थ्रू। तो बच्चे का लिवर क्या होता है, इमेच्योर होता है, जिसकी वजह से बेबी जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन को कॉन्जुगेटेड फॉर्म में नहीं बना पाता। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये है, ये 30 से 72 घंटे के अंदर अंदर मतलब अपेयर होता है, लेकिन कभी भी 24 घंटे पहले नहीं होता है बर्थ से। कभी भी जैसे बर्थ के साथ ही हो ऐसा नहीं होगा, कम से कम 30 घंटे और 72 घंटे के बाद ये अपेयर होता है। सीरम बिलरुबिन लेवल 15 mg dl के ही अंदर अंदर में रहता है, कभी भी इसको क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। और इसमें कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नॉर्मली बेसिकली नहीं होती है, लेकिन अपने आप 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ये वाला जॉइंटिस ठीक हो जाता है। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस के बारे में बात करेंगे तो जॉइंटिस कॉज बाय एनी डिसीज इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। इसके कुछ कॉज हैं जैसे हीमोलाइटिक डिसीज़, मतलब जिसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो, ऐसी कोई डिसीज़ हो, जैसे कि RH इनकम्पेटिबिलिटी, ABO इनकम्पेटिबिलिटी, सिकल सेल एनीमिया है ना, और G6PD की डेफिशिएंसी हो, वायरल हेपेटाइटिस हो, या फिर कॉन्जेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन इन कॉमन वाइल्ड डक्ट। अगर ये कोई बीमारी हो उसकी वजह से बच्चों में क्या हो जाता है, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। इसके भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्या है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कभी भी 24 घंटे से पहले नहीं आ रहा था, लेकिन ये क्या है, जन्म से भी बच्चे को मतलब 24 घंटे से पहले भी ये अपीयर हो सकता है। उसका लेवल 15 से ऊपर नहीं जा रहा था, 15 mg dl से, इसका लेवल हमेशा 20 mg dl से ऊपर जाएगा। और इस उसमें ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं था, लेकिन इसमें हमेशा आपको ट्रीटमेंट रिक्वायर होगा। इसमें असेसमेंट फाइंडिंग कैसे करेंगे, इन लगभग दोनों की कर लेते हैं। इसकी मतलब पैथोलॉजिकल जॉइंटिस की असेसमेंट फाइंडिंग करनी होती है तो उसमें क्या है, एक तो एलिवेटेड सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड टिश्यू, मतलब जो स्किन और टिश्यू है उसका येलोइस मिलेगा, लेथार्जी मिलेगा बेबी, पुअर फीडिंग करते हुए मिलेगा। और जो है अगर ये बिलरुबिन लेवल 20 mg dl से ज़्यादा जाता है तो कभी कभी ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके और बिलरुबिन इंसेफेलोपैथी करा देता है, मतलब बिलरुबिन लेवल ब्रेन में पहुंच जाता है और ब्रेन के टिश्यू को डैमेज करने लगता है। तो इसी को
बिलरुबिन इंसेफेलोपैथी करते हैं या कर्निक टेरस भी इसी को कहते हैं जब ये ब्रेन में पहुंच जाता है तब। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन के बारे में। तो एक डायग्नोसिस तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे से कर लेते हैं, सामने देखकर फिजिकल एग्जामिनेशन कर, और एक होता है कर्मर इंडेक्स, उसके द्वारा इसका डायग्नोस करते हैं। जैसे कि 5 mg/dL होगा तो फेस पे दिखाई देगा, 10 mg/dL होगा तो येलोइश डिस्कलरेशन आपकी अम्लाइकस के चारों तरफ दिखाई देगा, 12 mg/dL होगा तो थाई तक आ जाएगा, 15 mg/dL होगा तो एंकल और रिस्ट पर भी येलोइश डिस्कलरेशन दिखाई देगा, और 15 mg/dL से ऊपर जाता है तो पाम और सोल पर भी येलोइश डिस्कलरेशन दिखाई देगा। एक इसको मेजरमेंट करने के लिए, इसके डायग्नोस करने के लिए इंग्राम इक्टेरोमीटर का यूज़ किया जाता है, और लास्ट जो सबसे बेस्ट है वो है सीरम बिलरुबिन लेवल, मतलब ब्लड टेस्ट भेज करके इसको हम फाइंड आउट करते हैं कि बच्चे को कितना mg/dL बढ़ा हुआ है। उसके बाद इसका मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट में हम 3 प्रकार का मैनेजमेंट करते हैं। पहला मैनेजमेंट फोटोथेरेपी, दूसरा मैनेजमेंट एक्सचेंज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तीसरा मैनेजमेंट ड्रग थेरेपी। तो बात करते हैं फोटोथेरेपी के बारे में। तो फोटोथेरेपी में क्या करते हैं कि हम फोटो आइसोमेराइजेशन के ऊपर इस ये सिद्धांत काम करता है। इसमें क्या है, ब्लू एंड वाइट लाइट का यूज़ करके, जिसका वेवलेंथ 140, उसका जो नॉर्मल वेवलेंथ होता है वो होता है 426-600 mm का, और डिस्टेंस रखते हैं लगभग 45 cm का, और इस तरीके से फोटोथेरेपी दी जाती है। फोटोथेरेपी ये इस टाइप से आपको दिखाई दे रही होगी मशीन। उसके बाद इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फोटोथेरेपी के, एक होता है डिहाइड्रेशन, दूसरा इलेक्ट्रिक शॉक की भी कंडीशन रहती है इसमें, और एक जो सबसे कॉमन जो इसका साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। इससे क्या है, फोटोथेरेपी की वजह से फोटो डिजेनरेशन प्रोडक्ट अंडर द स्किन एक्युमुलेट हो जाते हैं, तो ब्रोंज कलर का बेबी दिखाई देने लगता है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फोटोथेरेपी के दौरान, जैसे कि कवर द आइस एंड जेनेटेरिया, बच्चे का कवर करना है आपको आइस वगैरह का, एक्सपोज एच मच एज बॉडी एरिया एज पॉसिबल, मतलब जितना ज़्यादा हो सके आपको एक्सपोज रखना है बॉडी एरिया को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोथेरेपी काम कर सके। हाइड्रेशन लेवल चेक करते रहना है। उसके बाद बेबी को प्रॉपर फूड फ्लूड प्रोवाइड करना है। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग हो सके जितना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की हो सके आपको ब्रेस्ट फीडिंग पर। उसके बाद क्या, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूसरा फोटोथेरेपी के बारे में हो गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज का क्या है, इस थेरेपी के द्वारा आप क्या करते हैं, सीरम बिलरुबिन लेवल को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 160-180 ml पर किलोग्राम के हिसाब से ब्लड एक्सचेंज करते हैं, और प्रोसीजर कैसे करते हैं, अम्बिलिकल वेन जो बच्चे की होती है उसमें एक कैनला इंसर्ट करते हैं, और आप क्या करते हैं, अप्लाई ए 3-way, देन यूज़ 10 or 20 ml सिरिंज, और आप क्या करते हैं 10 ml ब्लड ट्रांसफ्यूजर करते हैं, 10 ml निकाल लेते हैं, फिर 10 ml आप ब्लड ट्रांसफ्यूजर करते हैं फ्रेश ब्लड, और 10 ml को रिमूव कर लेते हैं। इस तरीके से रिपीट करते रहते हैं प्रोसीजर को। और क्या है, आप जैसे ही इसको लगभग 50 ml रिपीटेशन हो जाता है, फिर क्या करते हैं 0.5 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, जिससे कि हाइपोकैल्शेमिया को रोका जा सके, ठीक है। और ट्रांसफ्यूजन के दौरान ये ध्यान रखें कि आपका ट्रांसफ्यूजन ज़्यादा दिन का रखा हुआ ना हो ब्लड, जिससे कि पोटेशियम लेवल जिसमें ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सेल के अंदर पोटेशियम होता है। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, जैसे हाइपरकैलेमिया, ब्लड ज़्यादा दिन का रखा हुआ हो, हाइपोकैल्शेमिया, ब्लड निकालेंगे आप बार बार तो कैल्शियम लेवल कम हो सकता है, कार्डियक फेलियर तक बच्चों को, एयर एम्बोलिज्म, और क्या है, अम्बिलिकल वेन परफोरेशन हो सकता है, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन फैलने के चांस हैं। कुछ ड्रग यूज़ करते हैं इसमें, तो उन ड्रग का नाम है, बच्चों में देते हैं फीरोबार्बिटॉल, ये आपकी सीजर में भी काम करती है, और ये ड्रग ऑफ चॉइस है आपका नियोनेटल जॉइंडिस का, क्योंकि ये क्या करती है, ये UDPGT यूरिनाइल डाइफॉस्फेट ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के सीक्रेशन को बढ़ाती है, उसको स्टिमुलेट करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नियोनेटल जॉइंडिस। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा।